और आपके फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक रहा है, कुछ मशवरा देना चाहेंगे सबका पोलिटिक्स को, फिल्म स्टार्स को, कि वो भी तब्दीली की तरफ आना चाहिए उनको पर्टिकुलरली मीरा? देखिए, जब मैं खुद एक बेहतरीन इंसान बन जाऊंगी, जब मैं खुद इस काबिल होंगी कि आज मैं इतनी अच्छी इंसान हूं जो कि आप मरते दम तक नहीं बन सकते, आप फरिश्ता कभी भी नहीं बन सकते, जिस दिन मैं खुद फरिश्ता बन जाऊंगी, जो कि नहीं होगा, तब मैं समझूंगी कि मैं किसी और इंसान को जो है वो मशवरा दूं। लेकिन जहां तक बात है बेहतरी की और रहनुमाई की, उसमें हमारे बुज़ुर्ग हस्तियां शामिल हैं और मैं समझती हूं कि जो इंस्पिरेशन का दरवाज़ा है, जो आज देखिए जामिया बिनोरिया के दरवाज़े ना सिर्फ मेरे लिए खुले थे बल्कि उन्होंने मुझे, मुफ्ती साहब ने मुझे अपनी बेटियों तक का दर्जा दिया है, उन्होंने मेरी रहनुमाई की है, उन्होंने कदम कदम पर मेरी रहनुमाई की, और आज अपने मदरसे के सब दरवाजे मेरे लिए खोले। तो मैं समझती हूँ कि किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं हैं, कोई भी यहाँ पर आना चाहे, रहनुमाई हासिल करना चाहे, उसके लिए हमारे बुज़ुर्गों के दिल, उनके दरवाजे और उनके जो हाथ हैं उनके सरों पर रखने के लिए वो वहाँ पर मौजूद हैं। तो कोई भी शख्स जो रहनुमाई हासिल करना चाहता है वो यहाँ पर ज़रूर तशरीफ़ ला सकता है। देखिए जी, इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट शामिल हैं, जामिया बिनोरिया जो शामिल है और भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट शामिल हैं। यकीनन मैं अभी इस मैदान में बिल्कुल नई हूँ और मैं खुद रहनुमाई हासिल कर रही हूँ अपने बुज़ुर्गों से। तो ये जो काम कर रहे हैं, दीन की खिदमत कर रहे हैं, लोगों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, एक शानदार काम कर रहे हैं और मेरा नहीं ख्याल कि मैं कहीं पर भी इनके कभी भी इनके किसी भी लेवल पर इनके करीब आ सकती हूँ। तो मैं ये समझती हूँ कि जो ये काम हो रहा है, मदरसा बिनोरिया जो है एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि इंटरनेशनल, तो ना सिर्फ दीनी तालीम दी जा रही है बल्कि दुनियावी तालीम भी दी जा रही है। सो मैं खुद इस मदरसे का हिस्सा बन जाऊंगी, बनना चाहूंगी और इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी में अगर आज से डेकेड्स बाद कभी ऐसा कोई मौका आया कि मैं इस काबिल बन सकूं कि लोगों की रहनुमाई कर सकूं तो मैं ज़रूर करूंगी इंशाल्लाह। जी बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपसे कुछ देर पहले मुफ्ती नईम से मुलाकात की और उसमें उनका कहना था कि हर इंसान के अंदर ज़मीर होता है और इंसान का ज़मीर कभी भी जाग सकता है। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल तब्दील हो गई और मेरी ज़िंदगी का जो तब्दील हुई है उसमें बहुत बड़ा किरदार मेरे वालिद का है। लोग जो हैं वो सीधे राह पे आए और मेरी तो यही दुआ है कि सब मुझ जैसे बंदा भी अल्लाह की राह पे आए, और क्योंकि दुनिया और आखिरत, दुनिया में और दुनिया के बाद आखिरत है, सो वी हैव टू, मतलब आखिरत पर ही हमने पूरा ध्यान देना है और अल्लाह हमें हिदायत दे और हमें तौफीक दे कि हम अल्लाह के रास्तों पे, बताए हुए रास्तों पे चलें। शुक्रिया। असल आपका बिल्कुल अहम रोल है बिना आपकी लाइफ को चेंज करने में, लेकिन कुछ हमने देखा कि आपकी एक्टिविटीज़ पॉलिटिकल में देखने में आई, म्यूज़िक की तरफ भी बिना चेंज हो रही है, आप इस तरफ कुछ कुछ रुझान तो आप भी मैं म्यूज़िक सिर्फ पाकिस्तान के लिए नगमे गाता हूँ, मतलब अपने मुल्क की मोहब्बत के लिए मैंने गाया हुआ है। और मुल्क की मोहब्बत दीन का एक, ईमान का एक जज्व है। मैंने पढ़ा है कि जो शख्स ईमानदार है वो अपने मुल्क से ज़रूर मोहब्बत करेगा। मैंने अभी तक कोई कमर्शियल सॉन्ग नहीं गाया, सिर्फ अपना, मैंने अपना पाकिस्तान के लिए चार गाने गाए, मतलब नगमे गाए और उस पर मैं बस वो हूँ। और दूसरा पॉलिटिकल ये है कि वो हर एक ही पे, वो एक विजन है, मुझे किसी का विजन पसंद है जो मुल्क के लिए बेहतरी कर रहा है, वाह वो कोई भी पार्टी हो, कोई भी बंदा हो, आप हो, मैं हूँ, जो मुल्क के लिए बेहतरी हो, इस्लाम के लिए बेहतरी हो, मैं उनके साथ हूँ। तो एक अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन पॉलिटिकली मैं वो नहीं हूँ कि मैं पॉलिटिक्स में आ रहा हूँ या जो भी है। आई कैन सपोर्ट, मैं सिर्फ सपोर्ट कर सकता हूँ, जैसे मैं आज हूँ, मैं मदरसा बुनियरिया को सपोर्ट कर रहा हूँ क्योंकि माशाल्लाह यहाँ पे अच्छी तालीम दी जाती है, दीनी और दुनियावी दोनों, तो मैं अच्छे कोर्स के लिए हमेशा सपोर्ट करूँगा। मैं जवाब दे चुकी हूँ। देखिए मीडिया आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ का कैसा इस्तेमाल करना चाहते हैं मीडिया के ज़रिए से। देखिए
مفتی نعیم صاحب ہیں, لوگوں کی رہنمائی کر رہے ہیں. میں بہت سارے معاشرتی مسائل کے اوپر ان کے جب پوائنٹ آف ویو سنتی ہوں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ایسے اوتھینٹک ماشاء اللہ اسکالرز موجود ہیں اس ملک میں, اور ظاہری بات ہے میڈیا کے ذریعے سے ہی وہ دنیا کو پیغام دیتے ہیں. اسی طرح سے جنید جمشید صاحب موجود ہیں, مولانا طارق جمیل صاحب کو آپ دیکھیں کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر کس طرح سے رہنمائی کا باعث بن رہے ہیں. تو دیکھیں میڈیا میں جب بھی کوئی ایسا پروجیکٹ. ناظرین آپ کو بتائیں کہ اداکارہ وینا ملک جو ہے وہ میڈیا سے گفتگو کر رہی تھیں, ان کے ہمراہ ان کے شوہر اسد خٹک بھی موجود تھے. انہوں نے کہا کہ میری زندگی بالکل تبدیل ہو گئی اور میں چاہتی